नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे कॉस्मोशोर स्किन हेयर लेजर एंड फैट रिडक्शन क्लिनिक से आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आप हमारे बारे में www.cosmoshore.com पे जानकारी ले सकते हैं, cosmashure.com। देखिए, अब हम सितंबर के महीने में आ चुके हैं। सितंबर का महीना स्किन अवेयरनेस मंथ के तौर पे भी कई देशों में मनाया जाता है और स्किन की ब्यूटी से रिलेटेड बातों के बारे में, सुंदरता से रिलेटेड बातों के बारे में भी इस महीने में कई डेज मनाए जाते हैं। आप देखिए, सितंबर के महीने में इंडिया में जहां हम हैं वहां पे अभी भी रेनी सीजन चल रहा है, लोगों को हेयर फॉल की काफ़ी समस्या आ रही है। इसके लिए प्रॉपर शैम्पू, प्रॉपर कंडीशनर, अगर कोई कंडीशन है जैसे टीलोजिन इफ्लूवियम, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, तो उसका डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। हेयर फॉल एक जेनरिक टर्म नहीं है, हेयर फॉल के कई कारण हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हार्मोनल इंबैलेंस, स्ट्रेस, आपके खाने की कुछ कमियां, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। अपने आप को गूगल से या यूट्यूब से ट्रीट नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर डाइट में करीब करीब 80 ग्राम प्रोटीन डिपेंडिंग अपॉन योर वेट लेना चाहिए। हर खाने के पहले हरी सब्जियों का सेवन और हर खाने के बाद एक फल का सेवन करना चाहिए। बैलेंस डाइट लेना चाहिए। स्किन केयर रूटीन में फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर्स आपको एक्टिव्स के साथ के प्रोडक्ट्स देते हैं, आपको ऐसे प्रोडक्ट्स देते हैं जिसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते। केमिकल से मेरा मतलब ऐसा है जो स्किन के लिए प्रतिबंधित केमिकल है। केमिकल तो हर चीज़ होती है और हर चीज़ जो नेचुरल है वो सेफ नहीं होती कि हमने नेचुरल लिख दिया तो वो चीज़ अच्छी हो गई, क्योंकि सबसे खतरनाक पॉइजन भी हमारे प्रकृति में ही मिलते हैं। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर पर विश्वास करना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट पर विश्वास करना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है। सितंबर के महीने में हम यही सलाह देंगे कि क्योंकि बाहर बादल छाए हुए हैं, ये मत सोचिए कि आपके स्किन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सनस्क्रीन का प्रयोग प्रॉपरली कीजिए। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, प्रॉपर बॉडी वॉशेज, मॉइस्चराइजर्स, फेस वॉश, प्रॉपर प्रोडक्ट्स यूज़ करिए जिसकी आपको ज़रूरत है। एक और सवाल लोगों ने हमसे बार बार पूछा है PRP के बारे में। PRP बहुत आजकल कारगर साबित हो रहा है, एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ भी हैं इसको लेके। PRP को हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में भी यूज़ कर रहे हैं, हम क्रॉनिक टीलोजिन इफ्लूवियम में भी यूज़ कर रहे हैं और हमारे क्लिनिक पे काफ़ी हाई वॉल्यूम ऑफ PRP के लिए पेशेंट्स आते हैं और हम इसके ऊपर अपना शोध पबमेड इंडेक्स पेपर के तौर पे प्रेजेंट भी कर चुके हैं। तो PRP काफ़ी कारगर है, इसके लिए आप अगर आपका क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नमस्कार, जय हिंद।